नमस्कार, मैं आसमा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड के सितारगंज में नगरपालिका अध्यक्ष और सफाई निरीक्षक पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हाथों में काले फीते बांधकर सांकेतिक विरोध जताया। पूर्व में सफाई नायक राजपाल वाल्मीकि ने पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे और सफाई निरीक्षक सोवेंद्र सिंह पर डेलीगेट सफाई कर्मी का वेतन रोके जाने और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके चलते सफाई कर्मियों ने पालिका अध्यक्ष और सफाई निरीक्षक पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका परिषद में काले फीते बांधकर सांकेतिक विरोध भी जताया। यहां किच्छा देव भूमि सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार और शाखा अध्यक्ष कैलाश वाल्मीकि समेत अन्यों ने नगर पालिका परिषद कार्यालय पहुंचकर सफाई कर्मियों के प्रदर्शन का समर्थन किया। सफाई कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाओं से सफाई कर्मियों के मनोबल पर असर पड़ता है। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। यहाँ के प्रत्येक समाज के साथ है, समाज के नाते मैं हर तरीके से इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलूंगा, मेरा संगठन चलेगा और मैं तो ये चाहता हूँ कि इसमें जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए और उसमें जो है जांच पुख्ता तरीके से प्रमुख तरीके से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये उत्पीड़न यही नहीं है, हमारे कर्मचारी के साथ हमारे समाज के साथ इस तरीके का उत्पीड़न हर जगह देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें अब समाज हमारा पीछे नहीं है, अब हमारा समाज हर तरीके से डट के मुकाबला करने के लिए तैयार है। जब जब इसका शोषण होगा तब तब हम इसी तरीके से विरोध करते रहेंगे हमेशा। यदि जांच निष्पक्ष रूप से नहीं होती है तो हमारा समाज सितारगंज ही नहीं है, जिले से लेकर के पूरे प्रदेश में हर एक शाखा में अपना हम इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग सारे लोग रोड पर उतरेंगे, क्योंकि ये हमारे समाज की पहली घटना नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जो कि आदमी अपने आप को हिटलर शाही में जी रहा है। आज का समाज जो है ऐसा नहीं है कि जो अपना सहयोग ना कर सके। हम एक दूसरे के साथ आज भी, भले चाहे हमारी यूनियनें अलग हैं, लेकिन समाज हमारा आज भी एक है और समाज के लिए हम मरने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। अगर हमारे सफाई नायक राजपाल जी के साथ अगर बिल्कुल उचित न्याय नहीं होता तो हम आगे काम बंद हड़ताल के लिए बात। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।